नमस्कार विद्यार्थियों, आशा है आप और आपका परिवार सकुशल होंगे। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग दो के पाठ तीन हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। यह पाठ एक निबंध है और नागार्जुन जी का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी है। वह बहुत बड़े कवि और प्रकांड लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में विराजमान हैं। प्रस्तुत पाठ के शीर्षक हिमालय की पढ़ने से हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि हिमालय की बेटियां कौन, हिमालय की बेटियां कैसे। यहाँ पर निबंध में लेखक ने हिमालय और नदियों को मानवीकरण रूप दिया है। इसको और स्पष्ट बताते हुए मैं बताना चाहूँगी कि हिमालय पर्वतराज यहाँ पर पिता हैं और हिमालय से निकलने वाली भिन्न भिन्न नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, यह सभी हिमालय की बेटी के रूप में, बेटियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर पाठ में लेखक ने नदियों के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भी उत्पन्न किया है। नदियाँ हमारी पूजनीय होती हैं, वंदनीय होती हैं, इस पाठ में चित्रित हैं। और किस प्रकार नदियाँ पर्वतराज हिमालय से निकलती हुई समतल नदी, समतल मैदान पर जब आती हैं, यानी कि समतल नदियों का रूप धारण करती हैं, तो कैसे अपने आकार भिन्न कर लेती हैं और आकारों के साथ साथ उनके मन के भाव भी भिन्न हो जाते हैं, इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि मानवीकरण का अर्थ क्या है। मानवीकरण का अर्थ होता है जब हम या लेखक प्रकृति या अन्य किसी भी निर्जीव वस्तु को मनुष्य का रूप दे देते हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण होता है। जैसे यहाँ पर हिमालय को पिता का रूप दिया गया है और नदियों को बेटियों का रूप दिया गया है। जिस प्रकार मनुष्य, आप, हम सब अपने भावों को दर्शा सकते हैं, अपने भावों को बोलकर प्रकट कर सकते हैं, उसी प्रकार ये नदियाँ और पर्वत हिमालय कैसे अपने भावों को प्रकट करते हैं, यह इस पाठ में चित्रित है। हिमालय के भाव एक पिता के रूप में और नदियों के भाव एक बेटियों के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए हम इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। पाठ का प्रारंभ लेखक ने नदियों को जिस रूप में, जिस आकार में देखा जाता है, वहां से किया है कि लेखक ने कैसे देखा है नदियों को, किस रूप में देखा है। उन्होंने नदियों को बहते हुए, जो कि समतल मैदानों पर बहती हैं, जिसे हम भी देखते हैं, वो अत्यंत गंभीर यानी कि संगीन विचारों में डूबी हुई और शांत स्वभाव की होती हैं और अपने में खोई हुई होती हैं, सिर्फ बहती रहती हैं, अपना पानी बहाती हैं। आगे लेखक कहते हैं कि संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। संभ्रांत का मतलब होता है सभ्य, संस्कारों से परिपूर्ण, संस्कारों से भरी हुई महिला के रूप में ये नदियाँ प्रतीत होती हैं। कब प्रतीत होती हैं? ऐसी गंभीर, शांत और संभ्रांत महिला जैसी, जब वह समतल मैदानों पर बहती हुई हमें नजर आती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव हैं। ये बात सच है कि नदियाँ पूजनीय होती हैं और नदियों के प्रति हमारे दिल में आदर का भाव और श्रद्धा का भाव होता है, जो कि लेखक के मन में भी है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। आगे लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार बच्चे अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में बैठा करते हैं, उसी प्रकार लेखक भी इन विभिन्न नदियों में डुबकियां यानी कि स्नान किया करते थे, स्नान डुबकियां लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा,
तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। यानी कि जब लेखक हिमालय की ओर बढ़े और हिमालय के नजदीक पहुंचने लगे, पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गए और उस ऊंचाई तक पहुंचने की रफ्तार में थे, तो उन्हें जो नदियां इतनी शांत गंभीर दिखती थीं, उनका कोई और रूप ही सामने आया। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। चूंकि लेखक पहाड़ों के नजदीक जा चुके थे, हिमालय पर्वत के कंधे पर चढ़ा से मतलब है कि पर्वत के अत्यधिक नजदीक चले जाना, ऊंचाई पर चले जाना। जब लेखक ने ऊंचाई से इन नदियों को देखा, ऊंचाई पर जाकर इन नदियों को देखा, तो गंगा दुबली पतली सी थी, यमुना भी वैसी ही थी और सतलुज भी पतली नदी ही थी। और जो ये नदियां हैं जो कि पतले रूप में हैं, ये किस प्रकार नीचे उतरकर यानी कि समतल मैदानों में धरती पर जाकर इतनी विशाल यानी कि इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं, लेखक के लिए यह बात समझनी अत्यंत दुर्लभ थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इनका आकार और रूप किस प्रकार बदल जाता है, आकार और रूप बदलने के साथ साथ इनके स्वभाव में भी किस प्रकार भिन्नता आती है, ये हम अभी आगे पढ़ते हैं। आगे लेखक कहते हैं, उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक क्योंकि हिमालय की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं और वहां से नदियों का बहाव देख रहे हैं, जहाँ उन्हें पहली बात तो नदियाँ अत्यंत संकरी या मतलब पतली लगती हैं, और फिर उसके बाद वह कहना चाह रहे हैं कि लेखक क्या देखते हैं, नदियाँ वहाँ उछल रही हैं, कूद रही हैं, हंस रही हैं खिलखिलाकर, अनेक अनेक आकृतियाँ भाव भंग बना रही हैं, अनेक अनेक भाव उनके उछलने कूदने से, उनके उल्लास से, उनकी खुशी से निकल रहे हैं, और न जाने वह मैदान तक जाकर कहाँ गायब हो जाती है खुशी और वो किस चीज़ में परिवर्तित हो जाती हैं। वह शांत गंभीर बन जाती हैं मैदानों में जाकर। लेखक इन सभी चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से मानवीकरण प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार एक बच्चा बचपन में खिलखिलाकर हंसता है, उछलता कूदता है, उसी प्रकार जहाँ से ये उद्धृत होती हैं, यानी कि पर्वतराज हिमालय से जहाँ से ये उद्धृत हो रही हैं, वहाँ पर उनका बचपन देखने को लेखक को मिलता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। यानी कि एक छोटे से बच्चे को देखकर, एक छोटी सी कली को, एक छोटी सी लड़की को देखकर भी जिज्ञासा मन में किसी चीज़ को जानने की, किसी बात को जानने की इच्छा और विस्मय यानी कि आश्चर्य यानी कि हैरानी नहीं होती, जितनी कि इन बेटियों या अर्थात इन नदियों की बाल लीलाओं को देखकर होती है। बाल लीला यानी कि बचपन की हरकतें, बचपन की लीलाएं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अब लेखक ने बचपन से यानी कि जो बचपन से आगे आने वाली अवस्था है, यौवना अवस्था, बचपन से आगे वैसे किशोरावस्था आती है और फिर यौवनावस्था आती है, तो किशोरावस्था से जब यौवनावस्था की ओर ये प्रस्थान कर रही हैं, ये बढ़ रही हैं, जैसे मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं होती है कि पहले बचपन बीतता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था आती है, फिर यौवन आता है, फिर बुढ़ापा आता है, इसी प्रकार मनुष्य के रूप में इन नदियों की भी बात की गई है कि यह कहाँ भागी जा रही हैं, इनका बहाव इतनी तेज है पहाड़ से नीचे की ओर, मैदानों की ओर, कि लेखक को समझ नहीं आ रहा कि यह कहाँ भाग रही हैं और वह कौन लक्ष्य है, यानी कि ऐसी कौन सी प्राप्ति है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको वो पाना चाहती हैं, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। यानी कि यह नदियाँ इतनी तेजी से बाल लीलाओं को छोड़कर ऐसे प्रस्थान कर रही हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कितनी बेचैन है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या किसी से मिलने के लिए। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा।
आगे लेखक ने यही बताना चाहे कि इतना विशाल, इतना विराट, इतना बड़ा हृदय है उनके पिता पर्वतराज हिमालय का, और पिता ने जिस प्रकार पिता अपने बेटियों से अत्यंत प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से अत्यंत प्रेम करते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज हिमालय ने भी इन नदियों को अत्यंत प्रेम दिया होगा, किंतु फिर भी इनका हृदय, इन नदियों का, इन बेटियों का हृदय दिल अतृप्त यानी कि असंतोष, जिसमें संतुष्टि ना हो, जिसमें बेचैनी हो, वह बेचैनी है, इतना अपार प्रेम पाकर भी बेचैनी है। तो लेखक यही सोचते हैं कि कौन होगा ऐसा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, ऐसा कौन होगा जो इनको लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकेगा, इनका क्या उद्देश्य है, और वाहित होती चली जा रही है तो इनकी प्यास को, इनके हृदय को कौन संतुष्ट कर पाएगा। अर्थात यहाँ पे लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने किशोरावस्था से यौवनावस्था की तरफ जाता है तो वह किसी मिलन के लिए बेचैन रहता है, मन में अनेक आकांक्षाएं, अनेक भावनाएं आती हैं कि विवाह हो, किसी से मिलना हो, कोई जीवन में साथी आए। इसी तरीके से इन नदियों की बात की गई है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अदे, ऐसा है इनका लीला निकेतन। आगे लेखक ने इनके लीला निकेतन यानी कि इनकी लीलाओं को करने का घर, निकेतन मतलब घर, के बारे में बताया कि वह किस प्रकार का है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां यानी कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, और छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां हैं, बंधुर अधित्यकाएं हैं। अधित्यकाएं का अर्थ होता है पहाड़ों से ऊपर जो समतल मैदान होता है, जो समतल स्थान होता है, और वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं होती, वे बंजर होती हैं। ऐसा स्थान उनके तन है, घर है। और सरसब्स का मतलब होता है हरी भरी, उपत्यकाएं का मतलब होता है घाटियाँ, चोटियाँ, भरी भरी चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, ऐसा है उनका लीला निकेतन। आगे लेखक कहते हैं खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। चूंकि ये नदियां बहती चली जा रही हैं तो लेखक अब आगे यही बता रहे हैं कि जिस तरह बचपन से आगे निकलकर व्यक्ति आगे बढ़ता, उसे बचपन की बातें याद आती रहती हैं, ठीक इसी प्रकार इन बेटियों को, इन नदियों को, जब यह जंगल के रास्तों से निकलती होंगी, विभिन्न जंगल जो कि यहाँ पर दिए गए हैं जैसे देवदार, चीड़, सरो आदि, इन जंगलों से होती हुई निकलती होंगी तो इन्हें अपने बचपन की बातें, इन्हें अपने बचपन का उछलना की, बचपन का उछलना की कूदना, और इन्हें अपने बचपन का निकेतन यानी कि घर किस प्रकार का था, ऐसी यादें आती होंगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा मानवीकरण किया है कि जिस प्रकार विवाह होता है और उसके माता दुख में विलीन हो जाते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं, अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी बेटी घर से विदा हो रही है, ठीक उसी प्रकार जो पिता के रूप में हिमालय है, जो कि बुजुर्ग है, बूढ़ा है, उनकी ये बेटियां आगे की ओर बढ़ चुकी हैं, किसी मिलन की ओर चली जा रही हैं, और उनकी याद में वह अपना सिर ढूंढता होगा, अर्थात वह अत्यंत दुखी होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। जिस प्रकार एक बेटी के विवाह, घर बिल्कुल शांत मौन हो जाता है, सारी खिलखिलाहट खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और सब शांति में बदल जाता है। कहते हैं ना कि बेटी का विवाह हुआ तो घर सूना सूना हो गया, माँ बाप अकेले पड़ गए, खाली पड़ गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कहा है कि जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं जहां पर वह खेला करती थी, अब वहां पर क्या है, प्रश्न अगर पूछा जाए तो क्या है वहां पर, कुछ नहीं है, सिर्फ एक विराट मौन यानी कि बहुत बड़ी शांति वहां पर है। आगे लेखक ने क्या कहा है, आपको
पढ़ने से और समझने से नदियों की या पर्वतों की बात ना होकर मनुष्य की बात हो रही है, पिता बेटी के संबंध की बात हो रही है, बेटियों के खेलने की, बेटियों की यौवनावस्था की, पिता के भावों का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रकृति के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसे कुभा भी कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां सामने नाचने लगती हैं। क्यों नाचने लगती हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु का नाम सुनते ही क्यों बाकी सारी नदियों की एक आकृति, एक झलक हमारी आंखों के सामने आ जाती है, आगे पता चलेगा। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, यानी कि वह कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, वह इन्हीं नदियों जो कि ऊपर दी गई हैं, इन्हीं नदियों की, ये नदियाँ क्योंकि बहुत छोटी हैं, इन्हीं नदियों से मिलकर एक नई नदी के रूप में विराजमान हुई है, नई नदी के रूप में विकसित हुई हैं ये दो नदियाँ, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और इसीलिए कुछ नहीं है क्योंकि वह इन छोटी नदियों के द्वारा ही बनी हैं, स्वयं में नहीं बनी हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हिमालय का पिघला हुआ दिल, हिमालय के पिघले हुए दिल से मतलब है हिमालय का दिल क्या है? बर्फ। हिमालय बर्फ की चोटियों से ढका होता है, बर्फ की परतों से ढका होता है। तो जब वह बर्फ की कुछ परत पिघलने लगती हैं, छोटी छोटी बूंदें पिघलकर एक नदी का रूप धारण कर लेती हैं, तभी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जन्म होता है, वह उत्पन्न होती हैं और वह समुद्र की ओर, यह नदियाँ कहाँ अंत में, वास्तव में कहाँ जाकर मिलती हैं, नदियों का अंत कहाँ होता है? समुद्र में यह मिल जाती है, इनका मिलन समुद्र से होता है, समुद्र के साथ ही ये प्रवाहित होती हैं। तो ये क्या दो महानद जो है, महानद का अर्थ है छोटी चीजों से मिलकर बड़ी नदी बनना। तो यह महानदी जो है ये प्रवाहित होती जा रही है समुद्र की ओर। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो का श्रेय मिला। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि वह समुद्र जिसमें यह सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बेटियां जाकर विलीन हो गई हैं, मिल गई हैं, बह चुकी हैं, जिसके अंदर जाकर वह आगे प्रवाहित हो रही हैं, वह कितना सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि हिमालय की दो बेटियां उनमें जाकर मिल गई हैं और हिमालय की उन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका, अवसर, सुअवसर यानी कि श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो समुद्र यहाँ पर जो प्रेयसी हैं, जो प्रेमिका हैं, नदियाँ बेटियाँ, उनके पति के रूप में किया गया है कि अपने पिता के घर को छोड़ के, यानी कि हिमालय पर्वतराज को छोड़कर वह नदियाँ भागी चली जाती हैं और अंत में उनका मिलन किससे हो जाता है? समुद्र राज से, यानी कि अपने पति से, अपने प्रेमी से। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से मानवीकरण अलंकार है, पूरी तरीके से मानवीकरण दर्शाते हुए लेखक ने बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। और अब आगे की कहानी हम अपनी अगली